हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ ये मैक्स्ट्रॉन, दूसरी ये बहुत ही अच्छी पेन है जो कि पेंटानोइक की है, पेंटानोइक जेल पेन, और तीसरी ये है रेनॉल्ड्स की मेरा जेल। तीनों ही जेल पेन का हम डेमो लेंगे, सेम लाइन लिखेंगे और तब हम देखेंगे कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ रेनॉल्ड्स मेरा जेल। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ दूसरी पेन रोरिटो की मैक्स्ट्रॉन। हम सेम लाइन लिखेंगे। और अब हम लेंगे अपनी ये तीसरी पेन जिसका नाम है पेंटानोइक जेल पेन। तो ये हमारी तीसरी पेन है, अब हम इसे लिखेंगे। वापस से हम सेम लाइन लिखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका डेमो। सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से मोड़ देती हूँ ताकि हमें ये यूज़ करने में आसानी रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इन तीनों पेन को यूज़ कर लिया है। मैं इनके सामने ही इसका नाम भी लिख देती हूँ, जैसे कि ये मैक्स्ट्रॉन है। डन। और अब हम इसे एक बार देखेंगे पास से। तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो, आपको इन तीनों में कलर डिफरेंस दिख रहा हो। तीनों के प्राइस अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेंज में हैं, इसीलिए मैंने इनको कंपेयर भी किया। तो आप देख सकते हैं कौन सी पेन कौन सी है, मैंने उसके सामने लिख भी दिया है। ये मेरा जेल है, ये मैक्स्ट्रॉन है और ये पेंटानोइक जेल पेन है। तीनों ही अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। तीनों पर मैंने वीडियोज़ डाल रखे हैं, आप चाहे तो वो पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं, बट हम इस वीडियो में सिर्फ कंपेयर करेंगे। तो आप इन तीनों का कलर देख चुके हैं, तो चलिए अब हम इस पर और कुछ टेस्टिंग करते हैं। तो मेरी पहली टेस्टिंग है ये। तो चलिए इस मार्कर को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे आर्ट लाइन का ये। मैं इंडियन ओशन यहाँ भी कर दे रही हूँ, इंडियन ओशन का यहाँ भी की हूँ और इंडियन ओशन यहाँ भी कर दे रही हूँ। तो चलिए अब हम इसे पास में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैक्स्ट्रॉन थोड़ी सी फैल गई है, उससे कम है ये और उससे भी कम है ये, ठीक है। जबकि हमारी ये मैक्स्ट्रॉन जो है उसके बाद मैंने ये पेंटानोइक जेल पेन को यूज़ किया है, तब भी ये फैल गई है। तो इट मीन्स ये थोड़ा टाइम लेती है सूखने में, बट इट्स ओके। पेन काफ़ी अच्छी है ये, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं और इसके बारे में कमेंट भी कर रहे हैं। तो पेन तीनों ही अच्छी है अपनी जगह नोट्स बनाने के लिए, बट मैं डेमो दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपको कौन सी पेन यूज़ करनी है। तो ये तो हो गई दूसरी बात। अब तीसरी चीज़ जो हम लोग चेक करेंगे कि पीछे क्या छपा और क्या नहीं। तो आप ये तीनों पेन देख सकते हैं। तो पहली पेन तो हमारी बहुत ही डार्क है, दूसरी फिर भी ठीक है, और ये थर्ड है जो यहाँ पे इतनी, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर यहाँ इतनी दिख रही है बस। तो चलिए अब हम पलट लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। तो ये डार्क था क्यों? पेंटानोइक जेल पेन, बिकॉज ऑफ दिस ब्लू कलर मार्कर जो मैंने यूज़ किया है। तो इट मीन्स ये जो थर्ड पेन है, सेकंड पेन है, ये दोनों ही पीछे नहीं छपे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मैक्स्ट्रॉन और पेंटानोइक जेल जो है पीछे नहीं छपी है, लेकिन वहीं रेनॉल्ड्स की मेरा जेल पीछे छपी है। फिर से मैं दिखाती हूँ आपको, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही क्लियर इसका दिख रहा है। तो ये पूरी छपी है, वहीं मैक्स्ट्रॉन और ये बहुत ही कम, और सबसे कम तो मैक्स्ट्रॉन है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर सेकंड में कहाँ है। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी। तो मैंने तीनों ही पेन को आपके सामने कंपेयर कर दिया है, मैंने तीनों ही पेन आपको डेमो पे दिखा दिया है और आप इसे देख सकते हैं। तो जो भी पेन आपको अच्छी लगती हो आप उस तरीके से इसे ले सकते हैं। थैंक यू।